पर यूनिट रख देते हैं, है ना। और यह किसके बराबर होता है, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट। बस सिंपल सा ही याद करना, बाकी आप रट वट के एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो ठीक है, लेकिन किसी को समझाने के लिए आप अपने भाषा में भी इसको बता सकते हैं। तो हम कह रहे हैं जो हमने शब्द लिखवा दिए उसी तरह बोलिए, तो हम कह रहे हैं ठीक है, आप अपने भाषा में जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, और जितना आप एक्सप्लेन करेंगे उतना आपके अंदर का डर खत्म होगा, आपको चीज़ें समझ जल्दी आने लगेगी। ठीक, अरे यार माइक तो हम लगा रहे, लेकिन माइक से क्या मेरी आवाज़ आप ऑनलाइन है क्या है, कितने बच्चे ऑनलाइन हैं, कैसे राजी चलिए आज हेडिंग डालिए हीट ऑफ कंबशन। अब चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे, हीट ऑफ कंबशन से, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन से आप क्या समझ रहे हैं, ये कोई केमिकल रिएक्शन है ना, हैं आप क्या समझ रहे हैं, जैसे हम दो रिएक्शन, एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन मान लीजिए ये लिखे हैं, ठीक है, एक रिएक्शन ये है एक रिएक्शन ये है, ये तो क्लियर है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। हर एक केमिकल रिएक्शन का अपना एक क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन होता है, और वही हीट ऑफ रिएक्शन हम थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में वही हीट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, किस टर्म में, डेल्टा एच के टर्म में, हमने कल बताया था या तो डेल्टा एच या डेल्टा ई के टर्म में कर सकते, हम डेल्टा एच के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो हमने इस रिएक्शन को लिख दिया, यहाँ भी डेल्टा एच कुछ वैल्यू आई है, और इस रिएक्शन को लिख दिया, यहाँ भी डेल्टा एच कुछ वैल्यू होगी इसकी, इससे आप समझ क्या रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, हाँ इसी तरह के इसमें से भी हीट निकल रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी, निकल रही होगी है ना, और मुझे वैल्यू पता नहीं इस समय, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये पूछे आपसे, ये पहला वाला रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तेज बोलो, एक्सोथर्मिक है, जैसे आप लोग 8th 9th पढ़े हो ना, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या और भी कई तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं ना, हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है,
अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो हो रहा है, जब भी ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें ये क्या है, मीथेन है। मीथेन गैस को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई भी जलती है कोई चीज़, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। इस कमरे में से ऑक्सीजन हटा दीजिए किसी तरीके से, वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, और माचिस जलाइएगा तो नहीं जलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन का बर्निंग हो रहा है, जल रहा है। जलने को क्या बोलते हैं, कम्बशन, ठीक है। एक मोल ऑक्सीजन बर्न होके क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इस दौरान डेल्टा एच इतना आ रहा है, तो ये जो डेल्टा एच कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ कम्बशन। इसीलिए यहाँ सी लिखा गया, क्या लिखा गया है, हीट ऑफ कम्बशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। तो यहाँ एसिड से बेस का क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो इस दौरान जो डेल्टा एच होगा हीट ऑफ रिएक्शन, वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन का जो चैप्टर है ये, इसमें हम कई तरह के हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, हीट ऑफ कम्बशन से कर रहे हैं। जब इसकी स्टडी करेंगे तब हम वहाँ पर वही हीट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। कहीं कोई चीज़ फॉर्म कर रहा होगा तो उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम कई और नाम से भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बेसिकली देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ हो रही है। पहला क्या हो रहा है, कम्बशन ऑफ क्या है, ये CH4, यही ना हो रहा है, हैं? दूसरा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दो मोल पानी, ठीक। तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम ये कहें क्या, दिस हीट ऑफ रिएक्शन इज द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ मीथेन, या इस हीट ऑफ रिएक्शन को ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अब एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है, लिखा रहेगा, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक ही रिएक्शन से हम जो है दो चीज़ दिख रहा है ना, तो ये दो, यदि इसके टर्म में बोलेंगे तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा यही वैल्यू, यानी एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड और दो मोल वाटर बनाने के लिए हमको कितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी, इतने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। या एक मोल मीथेन को इसको जलाने के लिए कितने अमाउंट, तब भी उतने ही अमाउंट ऑफ, ठीक ना। तो ये आपके दो टर्म इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, हीट ऑफ कम्बशन में लिखिए, लिखिए इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। यानी यहाँ क्या हो रहा है, एक मोल मीथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। लिखिए फिर ये वाला रिएक्शन लिख डालिए पूरा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा।
फिर देखिए दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट नंबर वन हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 एंड नंबर टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो ना समझ आए पूछ लीजिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब नीचे लिखिए विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कंबशन डेटा वी कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। यानी इस डेटा से हम क्या निकालते हैं, ये किसका है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो हम मीथेन के फॉर्मेशन की वैल्यू जो है इस डेटा से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये ललित भी समझा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ कंबशन डेटा वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। अब आप में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, इसे लिखिए फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब जब ये आएगा तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन जो है कैसे बनता है, इसका रिएक्शन आपको, मीथेन में क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के ये बनेगा है? तो इसका इक्वेशन होता है, हम कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में लेते हैं प्लस 2 मोल हाइड्रोजन गैस लेते हैं
और ये जब रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, वन मोल ऑफ CH4 बनता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन इस इक्वेशन से बनेगा। अब इसका जो डेल्टा एच होगा वही ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताएगा मीथेन की, है वो डेल्टा एच किस। तो यदि हम ये डेल्टा एच कैलकुलेट कर दें तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो जब किसी कंपाउंड का इंथैल्पी या फॉर्मेशन निकालना होता है, यहां को क्या निकालना था, डेल्टा एच एफ सी एच फोर निकालना है। ठीक, तो जिस कंपाउंड का हमको इंथैल्पी या फॉर्मेशन निकालना होता है उसको हम कहां से निकालते हैं, उसके कंबशन वाले डेटा से निकालते हैं। ध्यान सुनिए, क्योंकि हर एक कंपाउंड को जलाने में कितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो डेटा दिया हुआ है, और उसी डेटा को कैलकुलेट करके हम डेल्टा एच एफ सी एच फोर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन डेटा ये दिया हुआ है, हैं। अच्छा, अब हम यदि आपसे पूछें हमने क्या क्या इस डेटा से निकालना है ना, डेल्टा सी, इसको डेल्टा एच कंबशन ऑफ क्या है, ये सी एच फोर है, यही है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जैसे सिंपल सॉरी अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, हैं, इस रिएक्शन का कुछ डेल्टा एच आ रहा होगा ना, ये डेल्टा एच किसके बराबर होता है, हाँ बोलिए, हाँ प्रोडक्ट, इसका डेल्टा एच किसके बराबर होगा, हाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन सीधे सीधे एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट होगा। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन वो होगा। ठीक, तो ये जो डेल्टा एच आ रहा है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 मोल ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस, अब उल्टा चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। इधर से चलेंगे तो मीथेन बनना है ना, ऑक्सीजन का हम नहीं लेते, वो तो बर्निंग में ज़रूरत होती ही होती है, उसका हम नहीं, यानी डेल्टा एच सी सी एच फोर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब चूंकि 2 मोल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या CH4। हमको ये वैल्यू यहाँ दी हुई है, इसकी और इसकी वैल्यू आपको क्या होगा एग्ज़ाम में दिया रहेगा। तो यदि डेल्टा एच, इसको ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4। ठीक है, हैं, अब इसकी वैल्यू एग्ज़ाम में दी रहेगी, जैसे इसकी वैल्यू है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 की वैल्यू होती है कितनी, माइनस 393.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर की वैल्यू होती है माइनस 285.83 माइनस डेल्टा एच कंबशन कितना दिया, ये दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
890.36 किलो जूल। इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस, मेरे ख्याल से माइनस 74.80 किलो जूल पर मोल ये होगा। अब कहाँ इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही बताइए। हैं कहाँ यहाँ और इधर आप क्या बता रहे हो ये वाला हैं इससे प्रॉब्लम आ रही है। भाई हमने यहाँ समझाने की कोशिश किया ना, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच किसके बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो इसका जो डेल्टा एच सी आ रहा है वो क्या होगा, प्रोडक्ट ये है ना, हैं तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है ना, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी ओ टू होगा प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, लेकिन कितने मोल वाटर है, दो, तो दो से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको लेना है तो इस रिएक्शन में जब इधर से इधर चलेंगे तब ना ये आएगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा, फॉर्म हो रहा है, ये उल्टा करोगे तो यहाँ से ये बनना है ना, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर हो गया। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर निकालना है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर क्या हो गया, इतना माइनस इतना हो गया। तो किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कंबशन डेटा से निकालते हैं, और बाकी ये दोनों वैल्यू एग्जाम में डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको एग्जाम में दिया रहेगा। इसको नोट करना है, जैसे हम आपको लिख दें दिया क्या क्या रहेगा, कहाँ था ये नोट कर लिए हो, इतना लिख लिए हैं, कैलकुलेट तक लिख लिए ना, अब देखिए कैलकुलेट तक जब लिख लिए हैं तो उसके बाद आप पहले इतना लिखने के पहले आप लिखेंगे क्या, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये लिखे ये इक्वेशन लिखे फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन पर सुन लीजिए तब लिखिएगा, फ्रॉम द गिवन डेटा क्या क्या दिया रहेगा, सी ग्रेफाइट प्लस ओ टू सी ओ टू डेल्टा एच माइनस 393.5 किलो जूल, और क्या दिया है एच टू प्लस हाफ ओ टू एच टू ओ लिक्विड, इसका डेल्टा एच दिया क्या माइनस 285.83 किलो जूल पर मोल, और तीसरा दिया है यही वाला डेटा दिया CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू ये तीन डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, अब क्वेश्चन कार्य से लिख लीजिए, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द इक्वेशन ये। ठीक, फ्रॉम द गिवन डेटा क्या क्या दिया है, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। ठीक, तो आप लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको क्या बनाएंगे, वन हम पहले बनाए थे, यहाँ पे वन बना लीजिए, ये टू ये थ्री ये बना लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन डेल्टा एच सी मीथेन इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए क्या है
ये वैल्यू यहाँ से बन रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हो रहा है। अब ये इक्वेशन दो चीज़ बता रहा है, फॉर्मेशन भी बता रहा है साथ में इसका कम्बशन भी बता, लेकिन हमको यूज़ करना फॉर्मेशन वाला फ़िलहाल इस इक्वेशन के लिए। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ ये प्लस वाटर का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है तो यही डेटा यूज़ हो जाएगा, और वो तो निकालना ही है। ये वैल्यू आपकी यदि हुई आप निकाल लें कैलकुलेट कीजिए।
यहाँ ना सब पूछ लिया, राइटिंग मेरी थोड़ी सी उल्टी सीधी है ना। आया समझ में? अब ये क्वेश्चन देने लगाइए। हाँ लिख लें वो लोग। हो गया जी? मिटा दें? क्वेश्चन लिखिए। ध्यान से लिखिएगा। चलिए लिखिए, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सी कामा हाइड्रोजन एंड सुक्रोज SUCROSE सुक्रोज आर इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सुक्रोज आर माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल माइनस 5644.2 किलो जूल पर मोल एंड माइनस 286.5 किलो जूल पर मोल और माइनस 5644.2 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। क्या लिखे? फिर से सुन लीजिए, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड सुक्रोज आर माइनस 393.5 कामा 286.2 एंड 5644.2 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? है? क्या समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझिए। जब आप मैथ का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे स्टार्ट कर, गिवन दैट ये दिया है और ये निकालना, उसके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हैं? तो आपके सामने क्या क्या चीज़ दिया है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सुक्रोज। कैलकुलेट क्या करना है? सुक्रोज निकालना है। तो कहने का मतलब है कि ये डेटा क्या है? डेल्टा एच कंबशन ऑफ क्या है? ये कार्बन। ये क्या है? डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ये डेल्टा एच
कंबशन ऑफ सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 C12H22O11 ये दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज कैलकुलेट करना है। यदि मैंने पूछा था उस समय समझ में आ गया, तो आपने कहा था आ गया, तो मैंने कहा था मैं क्वेश्चन दूंगा। अब मैंने क्वेश्चन दे दिया है, जरा लगाइए तब यदि समझ में आ गया है। कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, लगा के दिखाइए हमको। मैथमेटिक्स कापी पे की जाती है, हवा में नहीं की जाती है। पाँच मिनट का समय दे रहे हैं, लगाइए देखिए लग पाता है, नहीं तो फिर बताएंगे, तब तक समय भी हो जाएगा। चलिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको याद कुछ नहीं करना है, जनरली समझ करके एग्ज़ाम में आएगा उसका क्वेश्चन करना पड़ेगा। कहाँ देख रहे हैं, इधर आइए, रिएक्शन लिखिए। तो एग्ज़ाम में कुछ जो रिएक्शन दिया रहा, इसी से आपको रिएक्शन बनाना पड़ेगा। पहले ये बताइए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, मतलब किस डेटा से निकलेगा? कंबशन से निकलेगा। क्या निकलेगा? जब भी किसी कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा, तो दिमाग में याद रख लीजिएगा कि हमको ये वैल्यू कहाँ से निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ उसी कंपाउंड के एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेटा से निकालनी है, और वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब दिया तो हुआ है, लेकिन यूज़ कैसे करना है उसको, क्योंकि हमको पहले सबके केमिकल रिएक्शन पता होने चाहिए। ठीक, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट ये सब लिखेंगे। तो सबको पहले आप, जैसे ये दिया है ना, पहला क्या दिया, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कंबशन कैसे होता है, कार्बन हम हमेशा ग्रेफाइट फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, कंबशन का मतलब क्या होता है, जलाना, जलाने का मतलब ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडाइज करना। C+O2 क्या बनेगा, एक मोल CO2 गैस बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, डेल्टा एच सी कार्बन कितनी दी है, ये -393.5। दूसरा क्या दिया है, कंबशन ऑफ
हाइड्रोजन, तो H2 गैस प्लस O2, यही ना होगा ना, तो क्या बनेगा H2O बनेगा हैं। अब H2O बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ O2 हो जाएगा हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच सी हाइड्रोजन कितना दिया है इतना, माइनस 286.2। तीसरा दिया बेटा ये हैं, तो इसको आप कम्बशन कीजिए, C12H22O11 गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन जलाइए, तो जब भी जलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर निकलेगा, है ना, ये हमेशा यही होता है, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो इसको जब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करना आना चाहिए, तो ये 12 O2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कितना, 12 CO2 हो जाएगा प्लस 11 H2O हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ सुक्रोज की वैल्यू दी हुई है। अब इसी वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मेशन निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ सुक्रोज को हम एस से फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा पूरा आप लिख लीजिएगा इसमें, ये किसके बराबर होगा, हाँ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो 12 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 11 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर और माइनस, वेरी गुड, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, यही ना होगा ना, बोलेंगे कुछ हाँ ना। अब इसको निकालना है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज किसके बराबर होगा, 12 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस डेल्टा एच कंबर्शन ऑफ सुक्रोज। अब देखिए डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया कि नहीं दिया है, कहाँ दिया है, फिर वही बात। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन का कंबर्शन है या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म भी तो कर रहा है, हाँ कार्बन फॉर्म भी तो हो रहा है, तो यही डेटा यहाँ यूज हो जाएगा। दूसरा क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ हाइड्रोजन का कंबर्शन है या यही फॉर्मेशन भी तो है, तो वो यूज हो जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी दिया ही हुआ है कंबर्शन डेटा, कर लेंगे। अब इसको गुणा भाग करके जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस 2226 किलो जूल पर मोल। घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।